अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुह। दो वक्त की रोटी के लिए हम पांच वक्त की नमाज छोड़ देते, यानी भरोसा अल्लाह पे रखना चीज़ों पे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी रेमेडीज़ बता रहा हूँ आपको, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप नमाज के साथ जो मैं रेमेडीज़ बोल रहा हूँ इनका सहारा ले लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मेरे पास आने की भी नौबत नहीं रहती। कितने भी साल पुरानी तकलीफ हो आपकी, घर बैठे आप तैयार हो जाते हैं इंशाअल्लाह। अभी मेरे भाई आए हुए हैं जिनको कितने साल से तकलीफ, आठ साल से तकलीफ। कितने दिन में तैयार हुए आप? एक महीने में तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको 25 साल का दर्द, एक महीने में तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो रेमेडीज मैं बता रहा हूँ वो दवा बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, और कुछ भी नहीं है, फूल पत्तों से अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक ऐसी रेमेडी बतला तो आपका डैंड्रफ एक बार यानी तो दो बार में इंशाल्लाह क्लियर हो जाता, घर बैठे आप कर ले सकते इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे माँ बहनों, डैंड्रफ एक बहुत बड़ी तकलीफ होगी, आज सबको भी डैंड्रफ है, ऐसा करते ही उजला भूंसा गिरता सर से। तो अब जो रेमेडी बता रहा हूँ इंशाल्लाह घर पे बैठ के कर लिए आप इंशाल्लाह, तो आधे घंटे से तैयार हो जाते आप, आधे घंटे से। अल्लाह ताला शिफा रखी इन चीज़ों में। कड़वी जीरा ले लो, 50 ग्राम कड़वी जीरा पाउडर बना लो, फिर उसमें 4 नींबुआ निचोड़ लो, पेस्ट बन जाता, पेस्ट लगाओ, आधे घंटे के बाद गर्म पानी से वॉश कर लो, इंशाल्लाह पहले ही बार को 50% आपका डैंड्रफ साफ हो जाता, दूसरी बार को इंशाल्लाह 100%। ये तब भी असर करते चीज़ा जब हम जिक्र के साथ इसका इस्तेमाल करते। जिक्र क्या? यकीन अल्लाह पे आना, इबादत अल्लाह की करना, मांगना अल्लाह से, गिड़गिड़ाना अल्लाह के पास, पूछना अल्लाह को इंतज़ार में अल्लाह ताला कि कब पूछता मेरा बंदा, मैं कब दियूँ। बिना पूछे भी देते अल्लाह ताला, कितने बड़े रहम के हैं देखो अल्लाह ताला, है नहीं। आइए इंशाल्लाह मेरे भाई से मिलेंगे जो दावणगेरे से आए। नहीं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ क्या थी आपको? यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, जॉइंट स्प्रेन बहुत होते थे। खैरियत? एक महीने की दवा में आपको क्या फर्क आया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर के पास काम गए नहीं, घर पे बैठे आप खाली वीडियो देख के तैयार हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल की दर्दां की तकलीफ आपकी? ये तकलीफ कब से थी आप? ये तो 25 साल से। 25 साल से। अब कितना फर्क है आपको? अभी तो 75% काम करता है।
कम हो अल्हम्दुलिल्लाह। अब दौड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? आप क्या क्या दवा इस्तेमाल करें आप? अब सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब शिफा अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती है नहीं? डॉक्टर की क्या औकात भी आपके एक फुंसी को तक क्योर नहीं कर सकता डॉक्टर। आपकी एक फुंसी को तक, उन्हें एक पिंपल को तक क्योर नहीं कर सकता डॉक्टर। मुझे भी पिंपल है छोटे, ताकत नहीं है क्योर करने की। ताकत है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है। और इतने सालों पुराने बड़े बड़े बीमारियों से शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। मैं जो भी काम करता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला के नाम से करता हूँ, इसीलिए अल्लाह मेरा साथ दे रही है। और बाकी की सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हकीम्स आमिल लोग ऑलमोस्ट मेरे खिलाफ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मल हो गई शुगर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सांसें, ये रिज़ा, ये सब कुछ अल्लाह ताला तय कर दिए हैं। जिस तरीके से मौत इंसान को ढूंढ लेती, इसी तरीके से रिज़क भी इंसान को ढूंढ लेता। ये रिज़क के चक्कर में हमारा ईमान खराब कर लेते हैं हम। यूँ डॉक्टर चुटकी मार के बोलता दो दिन में आप चले जाते, गारंटी नहीं है, 400 शुगर। सिर्फ वो पत्ते में अल्लाह ताला वो शिफा रखे कि अल्हम्दुलिल्लाह 400 से 80-90 पे आ गई शुगर आपकी। ये ताकत, ये मेरा काम करने का एक ही मकसद है कि सिर्फ अल्लाह की बड़ाई को बयान करना और अल्लाह की ताकत को जाहिर करना दुनिया में, ठीक है? क्योंकि बिना अल्लाह की मदद से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शिफा नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में आओ, अल्लाह के पनाह में आओ, इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे आप। अगर अल्लाह ताला से दोस्ती हमारी अच्छी हो गई, पक्की हो गई, तो इंशाल्लाह किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है आप, ठीक है? नहीं सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज न को बनो, ठीक है? और इंशाल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा अपोजिट पानी की टंकी शोर गुम्बज रिंग रोड इंशाल्लाह, 6 तारीख को बीदर जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चुन्ना भट्टी और 8 तारीख को रायचूर अल सलामा फंक्शन हॉल में इंशाल्लाह और 9 तारीख को करनूल में ये एनआर नमस्ते फंक्शन हॉल और जो है 17 तारीख को इंशाल्लाह मैसूर 18-19 तारीख को होसूर 21 और 22 तारीख को मुंबई। मुंबई में भी इंशाल्लाह आऊँगा, लास्ट में ना मैं नहीं आया क्योंकि मैं भी थोड़ा आजमाइश में था अल्लाह ताला की, ठीक है? नहीं तो जो कुछ भी होता अल्लाह की मर्ज़ी से होता इंशाल्लाह। तो जिक्र से इंशाल्लाह चलते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को चलाते जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी अल्लाह ताला से मिलने वाले हैं हम सब लोग। दुआ करो कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर का मामला अता करें।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा फ़ोन नंबर 9900-666-495-779-541-4139-81970-41411। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप डायरेक्ट मैप में डॉक्टर अताउल्लाह बोल के सर्च करेंगे तो भी मेरा एड्रेस आपको मिल जाता है डायरेक्ट गुलबर्गा का। खाली डॉक्टर ATT बोल के मार दिए ना, आपको डायरेक्ट मेरा एड्रेस मिल जाता है गुलबर्गा का, तो आप आसानी से आ जा सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।